हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा एसेक्स और ससेक्स के बीच में होने वाला इंग्लिश T20 ब्लास्ट का मैच, जो कि चेम्सफोर्ड में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, नॉटिंगम और वर्विकशायर और नॉर्थहैम्पटन और लीसेस्टर का आज वीडियो मैं नहीं बना पाया हूँ, थोड़ी सी अभी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन सोचा कि एक मैच का आप सबके लिए बना दूं। तो एसेक्स और ससेक्स का मैं बना चुका हूं, और नेक्स्ट कल से इंशाल्लाह सारे मैचों का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। सबसे पहले अगर एसेक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो 14 मैन का स्क्वाड जो है एसेक्स ने अनाउंस किया, जिसमें रैंटन डेस्कार्टे कैप्टन, टॉम वेस्ली, रवि बोबारा, वरुण चोपड़ा, मैट कोल्स, साइमन हार्मर, एडम वीटर जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, फिर नील वैगनर, डैन लॉरेंस, अशर जैदी, जेम्स पॉटर, सैम कुक, मैट क्वीन और एडम जैम्पा। तो ये एसेक्स ने 14 मैन का स्क्वाड अनाउंस किया है। अब जो फ्रेंड्स बता दूं, 14 में से शुरू के ये पहला मैच है T20 ब्लास्ट का इस टीम के लिए, एसेक्स के लिए, तो थोड़ा प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन जो सेफ प्लेयर हैं फ्रेंड्स, मैं वो बता दूं आपके लिए कौन कौन से प्लेयर सेफ हैं। तो रैंटन डेस्कार्टे ये सेफ हैं, फिर टॉम वेस्ली, रवि बोबारा, वरुण चोपड़ा, साइमन हार्मर, एडम वीटर, नील वैगनर, डैन लॉरेंस, असर जैदी और एडम जैम्पा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ प्लेयर हैं जो सेफ हैं, और मैट कोल्स को भी ले सकते हैं। तो ये 9-10 प्लेयर जो मैंने बताया वो तकरीबन सेफ हैं, इनमें से आप ले सकते हैं, और बाकी के जो प्लेयर हैं थोड़े से डाउटफुल है, किसी को भी मौका मिल सकता है। तो आप कोशिश करें कि जो मैंने 8-9 प्लेयर बताए हैं सेफ, उन्हीं में से रखें। अब आइए बात करते हैं ससेक्स की स्क्वाड की। तो ससेक्स की टीम ने 13 मैन का स्क्वाड अनाउंस किया, जिसमें से लुइक राइट कैप्टन रहेंगे, फिर जोफ्रा आर्चर, विल बियर, डैनी ब्रिग्स, टॉम ब्रूस, माइकल बर्गेस विकेट कीपिंग करेंगे, लॉरी इवांस, जॉर्ज गैटन, राशिद खान, डेलरे रॉलिंस, ओली रॉबिसन, फील सॉल्ट और डेविड वीज। तो फ्रेंड्स, ये 13 मैन का स्क्वाड ससेक्स ने अनाउंस किया। आप जो बता दूँ, रिस्की प्लेयर जो मेरे को लग रहे हैं दो, जॉर्ज गार्टन और डेलरे रॉलिंस, ये दो प्लेयर ऐसे लग रहे हैं जो कि थोड़े से डाउटफुल हैं, बाकी के जो प्लेयर हैं लगभग सेफ हैं। हालांकि जो सेफ प्लेयर फ्रेंड्स बता दूं, जो बिल्कुल सेफ हैं, वो लुइक राइट, जोफ्रा आर्चर, डैनी ब्रिग्स, टॉम ब्रूस आप आज डेब्यू करते हुए आपको दिखेंगे, फिर माइकल बर्गेस, लॉरी इवांस, राशिद खान, ओली रॉबिसन और डेविड वीजा। तो ये 2, 4, 6, 8, 9 प्लेयर जो मैंने बताए हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। तो वैसे जो अनसेफ प्लेयर हैं, मैंने बताया कि डेलरे रॉलिंस और जॉर्ज गार्टन, ये थोड़े से रिस्की है। तो फ्रेंड्स, ये हो गई दोनों टीमों की स्क्वाड। अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, मैंने टीम बना लिया है ऑलरेडी, और ये मैं स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, विकेट कीपर में आपके पास दो ऑप्शन है, एडम वीटर और माइकल बर्गेस, ये दो ऑप्शन है। आपके पास बेन ब्राउन और जेम्स फोस्टर नहीं है स्क्वाड में, तो आप इनको ना रखें। आप देख सकते हैं बेन ब्राउन को 20% लोगों ने रखा है, तो प्लीज़ आप इनको ना रखें, ये टीम में शामिल नहीं है। वहीं आप एडम वीटर एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन क्रेडिट मैनेज करने के लिए मैंने माइकल बर्गेस को रखा है। अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो एडम वीटर के साथ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। बात करें फ्रेंड्स बैट्समैन की, तो मैंने 4 बैट्समैन, वरुण चोपड़ा, टॉम वेस्ली, लॉरी इवांस और टॉम ब्रूस को रखा है। टॉम ब्रूस आज आपको डेब्यू करते हुए दिखेंगे। फिर जो ऑप्शन है बता दूं, लुइक राइट जो कि कैप्टन है, लेकिन क्रेडिट हाई होने की वजह से मैं इनको नहीं रख पाया हूं, ओपन करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें, ये बड़े T20 के अच्छे बैट्समैन हैं। आप अगर लुइक राइट को रखते हो तो, या फिर वरुण चोपड़ा या टॉम वेस्ली में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स। अगर राइट को रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। फ्रेंड्स, एलेस्टर कुक स्क्वाड में शामिल नहीं है, तो आप इनको ना रखें। अभी भी देख सकते हैं 22% लोगों ने रखा है इनको अपनी टीम में। उसके बाद रैंटन डेस्कार्टे एक अच्छे ऑप्शन है, डैन लॉरेंस अच्छे ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं, और फील सॉल्ट रिस्की जरूर है, लेकिन ये स्क्वाड में शामिल है। तो ये कुछ ऑप्शन थे जिनको मैंने बता दिए। अब आइए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो मैंने सिर्फ दो ऑलराउंडर, रवि बोपारा और डेविड वीजे को रखा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, अशर जैदी, फ्रेंड्स एस्टियान वैन जील को ना रखें अपनी टीम में, ये स्क्वाड में शामिल नहीं है क्योंकि इंजरी है इनको। अभी भी 13% लोगों ने इनको रखा हुआ है। और आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है वो ओली रॉबिन्सन, ये एक अच्छे ऑप्शन हैं जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं।
भाई बॉलर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने चार बॉलर राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, एडम जैम्पा और मैट कोल्स को मैंने रखा। ये चार मेरे बॉलर हैं। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, नील वैगनर, क्रिस जॉर्डन को ना रख के टीम में क्योंकि ये इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं अभी, साइमन हार्मर आपके पास अच्छे ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं, जैमी पोर्टर सेन एसनेटर टीम में शामिल नहीं है तो आप इनको ना रखें, डैनी ब्रिक्स स्क्वाड में शामिल हैं, टाइमल मिल्स भी स्क्वाड में शामिल नहीं है। और फ्रेंड्स मैथी क्वीन और मैट कोल्स ये लोग शामिल हैं तो आप इनको रख सकते हैं। तो ये मैथी क्वीन और मैट कोल्स दोनों थोड़े से रिस्की हैं, लेकिन मैं मैट कोल्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े अच्छे बॉलर है T20 के, इसलिए मैं मैट कोल्स के साथ जा रहा हूँ। आइए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन फ्रेंड्स मैंने रवि बोपारा को बना दिया है और वाइस कैप्टन मैं, आप डेविड विजा को भी बना सकते हैं लेकिन मैं फ्रेंड्स यहाँ से मैं वरुण चोपड़ा को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर आप टॉम ब्रूस जो कि डेब्यू करेंगे फ्रेंड्स तो आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हैं। आपके पास टॉम वेस्ले एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, और डेविड वीजा भी बेहतरीन ऑप्शन आएंगे, और फ्रेंड्स राशिद खान और जोफ्रा आर्चर जैसे बेहतरीन ऑप्शन है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज की टीम, आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। माइकल बर्गेस, वरुण चोपड़ा, टॉम ब्रूस, लॉरी इवांस, टॉम वेस्ली, रवि बोपारा, डेविड वीज, राशिद खान, जोफ्रा आर्चर, मैट कोल्स और एडम जैम्पा। तो फ्रेंड्स ये आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। फ्रेंड्स आज पहला मैच है इन दोनों टीमों का, तो हो सकता है एक या दो प्लेयर मिस हो जाए ना खेलें जो मैं टीम बनाया हूँ, लेकिन कोशिश किया कि मैंने वही प्लेयर को रखूँ जो 100% खेलने वाले हैं। तो अगर आपको जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाया हूँ उससे आप जीते ही, तो एक दो चेंजेस कर लें अगर करना चाहते हैं तो, और कैप्टन और वाइस कैप्टन खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।